आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 283 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बने कंट्रोल सेंटर के द्वारा शहर में लगाए गए कैमरा में से अधिकांश कैमरे सही काम नहीं कर रहे। इसे लेकर नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें के कार्यदायी संस्था नगर निगम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर नगर निगम ने लापरवाही बरतने पर 7,60,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम में करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए स्मार्ट सिटी सेंटर, जिसके माध्यम से शहर में निगरानी व्यवस्था के लिए सैकड़ों की संख्या में कैमरे लगाए गए हैं। कैमरों के संचालन का जिम्मा नगर निगम ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया हुआ है, जिसके लिए 283 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की गई है। लेकिन नगर निगम द्वारा कई बार खराब पड़े कैमरों की जानकारी दिए जाने के बावजूद जब कोई सुधार नहीं पाया तो नगर निगम ने जुर्माने की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर नगर निगम द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर 7,60,00,000 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई की है। नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि इस जुर्माने की कार्रवाई के बाद भी अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाता तो आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्मार्ट सिटी के तहत जो पूरे कैमरे लगने थे, कैमरे तो इंस्टॉल है परंतु जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो विभिन्न कारणों से कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो रही है और इस वजह से जो कैमरा है वो 100% पे अपने चल नहीं रहे हैं और इसी के तहत, इसी काम में देरी के तहत और इसकी वजह से जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो उल्लंघन हुआ, तो हम लोगों ने बेल को लगातार सचेत किया है पत्रों के माध्यम से भी और एक बहुत ही हैवी पेनल्टी हमने लगाई है लगभग 7.62 करोड़ की, जो कि काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। उसके बावजूद भी अभी कैमरे जो है वो 100% हुए नहीं है। ज़रूर कार्य में प्रगति अच्छी हुई है उनके, परंतु हम लोगों का जो एम है वो है कि 99% कैमरा जो है किसी भी समय चलते रहे और उसके लिए हम लोग प्रयासरत भी है। यदि फिर भी इम्प्रूवमेंट बेल नहीं करती है तो फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उनके विरुद्ध और भी हम लोग इससे भी कठोर कार्रवाई आने वाले निकट भविष्य में करेंगे। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट।